20 जनवरी की ये वाला गियर शटर हम लगाने जा रहे हैं डोबो बिंदल मॉल सुनारी। तो ये वाला शटर लगाने जा रहे हैं, तो आपको हम अभी दिखाते हैं जो प्रोफाइल कहाँ स्टॉक में है, स्टॉक प्रोफाइल आपको हम दिखाते हैं कहाँ जहाँ खांचा किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यही हॉल में हम लोग का प्रोफाइल खांचा होता है, यही में स्टॉक माल रखाता है। प्रोफाइल खाली प्रोफाइल का मटेरियल जो भी हॉल में ही रखा था, आप लोग देख सकते हैं 3 या 4 बंडल लोड हो चुका है और 2 बंडल या 1 बंडल और रह गया होगा क्योंकि इसका हाइट कम है, आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला लास्ट बंडल है, इसका हाइट कम है, 11 फीट हाइट है, 16.5 फीट चौड़ाई। तो इतना ही सारा माल है जितना माल आप लोग को दिख रहा है, तो माल पूरा लगभग हो गया है, आप लोग देख सकते हैं ऑटो में भी लोड हो गया। तो अभी हम लोग जाएंगे बिंदल मॉल लगाने। और तो आज का डेट है 22 तारीख, तो 22 तारीख को हम लोग जा। तो दोस्तों गाइड लोड हो गया, बच गया खाली रोलर और लॉक प्लेट, क्योंकि इसका लॉक प्लेट बच गया, रोलर बच गया, इसका प्रोफाइल गाइड पहले ही लग गया है, जो खाली बच गया यहाँ लॉक प्लेट, लॉक प्लेट। तो दोस्तों देख सकते हैं हम रोलर में हाथ बिल्कुल भी नहीं लगा रहे क्योंकि मेरे हाथ में पैर में चोट लगा था। सैफ और गणेश दो आदमी मिलकर ही रोलर उठा रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा दो आदमी मिलकर ही लगा रहा है, मेरा पैर में ज़्यादा चोट लग गया, इसकी वजह से हम थोड़ा सा भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा पैर में खुद टाँका लगा हुआ है। और आप लोग को दिख रहा होगा रोलर उठा के रख दिया ऊपर, बस खाली बंधा के यहाँ से निकलेंगे फिर हम लोग शटर लगाने, तो वहाँ भी एक आदमी एक्स्ट्रा ले जाना होगा क्योंकि हम तो भाड़ा पे चढ़ेंगे नहीं। तो सैफ और गणेश और एक और जो भी रहेगा, ये जो सामने में आप लोग को अजय भाई दिख रहा होगा बगल में, वो अजय भाई उठाएगा ऊपर रोलर। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा सामान लोड हो गया, मशीन उसीन हैमरिंग मशीन गियर बॉक्स इधर ग्रीस व्रीस सब लोड हो गया। तो अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा साइड जाएगा कहाँ, डोबो पुल सोनारी तरफ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी निकल गया है, अब हम लोग जाके। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा माल लोड हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं साइड। तो यहाँ से सीधा आपको चल के सीधा बिंदल मॉल आगे चल के वीडियो दिखाते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहिए, सीधा डायरेक्ट आपको हम साइड में लेके चलते हैं जहाँ शटर लगना है, जगह का नाम है सोनारी बिंदल मॉल। तो दोस्तों देख सकते हैं हम जो शटर लगाने आए हैं यही रहा बिंदल मॉल, और बिंदल मॉल का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ये रहा बिंदल मॉल, और वहाँ मेरा शटर का माल उतर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से मेरा माल खाली होना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ से हम लोग को उठा के ही ले जाना होगा, अंदर अलाउ नहीं है ऑटो ले जाना, तो हम लोग को उठा के यहाँ से ले जा रहा होगा। करीब करीब यहाँ से 30 मीटर होगा, 30 मीटर तक हम लोग को यहाँ से माल ढो के ही ले जाना होगा। तो अभी हम आप चल के दिखाते हैं शटर लगना कहाँ, एकदम सामने में ही लगना है, और आप लोग को अभी दिखेगा गाइड लगा हुआ क्योंकि गाइड पहले ही लगा के यहाँ से चल गए थे, बहुत ज़्यादा अर्जेंट का था इसके लिए। और आप लोग को दिख रहा होगा यही साइड है जो भाड़ा बंधा हुआ है, तो यहीं पर लगाना है शटर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ गणेश भाई अकेले मेहनत किए हैं लॉक प्लेट को। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा क्लिट, और इस साइड से आपको हम दिखाते हैं ये रहा गाइड, ये रहा गाइड, ये रहा सपोर्ट, और ये रहा फास्टनर। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही फास्टनर करके लगाया गया, ये वाला भी सपोर्ट है और इधर से फास्टनर दिखेगा आपको, तो इस साइड से और ऊपर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं गाइड में पूरा फाइनल वेल्डिंग हम लोग नहीं करके गए थे, ज़्यादा फास्टनर नहीं मार गए थे, तो अभी हम लोग लोड के हिसाब से फास्टनर लगा रहे हैं क्योंकि पहले फास्टनर नहीं लगाए थे। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत जगह पे फास्टनर लगाना पड़ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं फास्टनर लग गया है। यहाँ दूसरा गाइड दिखा रहा है आप लोग को, इस साइड में गियर नहीं है और गियर जो था उस साइड में है, तो इस साइड का फाइनल है गाइड, उस साइड का खाली गियर लगाना था। आप लोग देख सकते हैं सपोर्ट फास्टनर से ही हम लोग लगाए हैं, दीवार से 3 इंच हटा के लगाए हैं, आप लोग को फास्टनर भी दिख रहा होगा, और दीवार से 3 इंच हटा के लगाएं क्योंकि नीचे जो मार्बल लगा हुआ है उससे हम लोग का ताला जो लगा रहा था लॉक प्लेट में वो नीचे गिरना चाहिए, तो इसके वजह से हम लोग लगाए हैं हटा के। तो गाइड से 3 इंच 3.5 इंच हटा के लगा हुआ गाइड वाला, और पूरा शटर समझिए 3 इंच हटा के लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अला वेल्डिंग होने के बाद सीधा हम लोग को रोलर चढ़ाएंगे क्योंकि साउलूल तो हम लोग को देखना पड़ा नहीं, काम आसान हो गया पहले से जो गाइड टेकिंग में करके गए। तो दोस्तों देख सकते हैं रोलर चढ़ना शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं अब बहुत छोटा भारा है, भारा भी अच्छा बांधा हुआ इसलिए देख सकते हैं आप लोग, आप लोग के सामने ही भारा आराम से भारा लोड ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, आप लोग को दिख रहा होगा आराम से रोलर चढ़ गया ऊपर। अब हम लोग को ब्रैकेट उठाना रहेगा, ब्रैकेट पर रखना रहेगा रोलर को, तो आप लोग देख सकते हैं अब ऊपर चढ़ गया, अजय भी चढ़ गया, सैफ भी चढ़ गया, गणेश, तो तीनों मिलकर ऊपर चढ़ा रहा है, और इधर इसलिए दो आदमी है क्योंकि इधर पिनियन लगा हुआ तो थोड़ा भारी होता है, इसलिए इधर दो आदमी चढ़ाया गया है, और गणेश उधर अकेले उठा रहा था। आप लोग देख सकते हैं इधर चढ़ गया है, अब अजय गया उधर सपोर्ट करने गणेश का, आप लोग देख सकते हैं
रोलर चढ़ गया, लगभग पूरा चढ़ गया। अब रोलर चढ़ने के बाद हम लोग को आराम का गियर सेट लगाना रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं रोलर चढ़ के फाइनल हो गया। अब बस इसके बाद जो हम लोग का काम रहेगा आराम और गियर लगाने का काम रहेगा, उसके बाद पर्दा लगाने का काम रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जो भी टाइम लगता है हम लोग का रोलर चढ़ाने में ही और गाइड लगाने में ही समय लगता है, इसके बाद नहीं लगता। तो आप लोग देख सकते हैं रोलर परफेक्ट चढ़ गया है यू क्लेम में। अब हम लोग इसके बाद लगाएंगे गियर सेट और गियर सेट लगाने का वीडियो दिखाते हैं आगे। देख लिए रोलर कैसे चढ़ाएं, क्योंकि इसका छोटा भाड़ा भी है, छोटा शटर भी है, ज़्यादा चौड़ा है नहीं और इसका भाड़ा एकदम एक नंबर बंधा हुआ है। तो इसमें रोलर चढ़ गया है, बस खाली पर्दा लगाना है, मस्त खाली इसको साइज करना पड़ेगा, उसके बाद पर्दा। तो अगर पहचानना है रोलर की क्या क्या सही बना है कि नहीं बना, तो देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से नचा के देखिए। एकदम फ्री बना है, एकदम फ्री बना है, तो समझ लीजिए कि एक नंबर बना है शटर। तो फिर देख सकते हैं हल्का सा चलाने से क्या गजब फ्री चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम रोलर चढ़ा दिए हैं, अभी हम आराम फिटिंग करेंगे, जिसमें आराम में होल करके नहीं लाए हैं, थोड़ा जल्दी में बना के लाए, इसके लिए आराम में होल करके नहीं लाए हैं। तो अभी हम लगाएंगे, वेल्डिंग करेंगे इसको, और ऐसा वेल्डिंग करेंगे कि लाइफ में कभी शटर ख़राब होता तो आराम से उतर जाए, आराम से टूट जाए। इस तरीके से वेल्डिंग करेंगे। तो आप लोग को भी कभी सेटिंग करने का जरूरत पड़े तो कैसे करना है आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा आराम जो हो गया, पूरा फाइनल वेल्डिंग हो गया। आप लोग देख सकते हैं पूरा परफेक्ट बैठ गया, दांत में दांत आप लोग दिख रहा होगा कैसे बैठाल के सीधा सीधी में मारे हैं। तो अगर आप लोग को भी करना होगा वेल्डिंग तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा जैसा हम किए हैं। दोस्तों रोलर भी चढ़ गया, आराम भी हम लगा दिए, पाइप भी लगा दिए, आप लोगों को दिख रहा होगा 1 इंची का, और इधर माल भी साइज हो रहा है, एक बंडल खाली बचा हुआ है और माल में 2-3 इंची स्क्रैप निकल रहा है। तो आप लोग होल किए हैं, आप अजय भाई गियर बॉक्स लगा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं गियर बॉक्स का होल। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा गियर बॉक्स हो गया फाइनल नट बोल्ट करके। नट बोल्ट करने के बाद गाइड में वेल्डिंग करना रहेगा, गाइड में वेल्डिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं सीधा हम हैंडल से गियर टाइट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा हो गया फाइनल, अब इसको वेल्डिंग का बनाना रहेगा। अब वेल्डिंग देख सकते हैं मेरा फाइनल हो गया, अब हम लोग स्प्रिंग सकते हैं, यहाँ हैंडल से भी हो रहा टाइट और ऊपर बारी भी लगाया हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा गणेश भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा स्प्रिंग टाइट हो रहा है, आप लोगों को एक बार लग से हम कोशिश करें दिखाने का। देख सकते हैं हैंडल से भी किया जा रहा है और बारी से भी किया जा रहा है, डबल बारी भी है और हैंडल से, तीनों चीज़ से किया जा रहा है, क्योंकि इसको वेल्डिंग किया गया है पहले से परफेक्ट नट बोल्ट होकर, आराम इसका नहीं आया था, इसके वजह से हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है कि हैंडल पे चलेगा ही। इसके लिए हम स्प्रिंग में ऊपर बारी भी लगा रहे हैं, नीचे गियर भी लगा रहे हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा दोनों से टाइट कर रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा सामने एकदम दो बारी लगा हुआ है, एक हैंडल से, तीनों जगह से टाइट हो रहा है, भाड़ा भी काफ़ी अच्छा बांधा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं एक नंबर का मेरा माल लग गया है, नट बोल्ट हो रहा है कमरिका, और एक नंबर का माल लगने के बाद दो नंबर का लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं दो नंबर का लगने का समय हो गया, क्योंकि एक नंबर का कमरी पूरा फाइनल हो गया नट बोल्ट लग के। तो अब हम लोग का माल लगेगा दो नंबर का दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये दो नंबर का मेरा माल लग रहा है, दो नंबर के बाद लाइन से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे करके आएगा, उसके बाद जो लास्ट में जो लगेगा लॉक प्लेट लगेगा। तो देख सकते हैं दो नंबर फाइनल हो चुका है और अब जो लग रहा है वो तीसरा नंबर वाला लग रहा है, तीसरा के बाद चौथा आएगा। आप लोग तो देख सकते हैं, आप लोग के सामने हैं प्रोफाइल कैसे लग रहा है, साइड से एक बार नहीं डाल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा 3 बंडल माल लग गया है और चौथा 5वां बंडल यहाँ है, आप लोग देख सकते हैं, और वहाँ भाड़ा पे माल आ गया तो थोड़ा दिक्कत हो रहा लगाने में। तो आप लोग देख सकते हैं, शटर हम गिरा रहे हैं अभी, और शटर गिराने के बाद नीचे से पर्दा लगाएंगे। बस खाली लॉक प्लेट मेरा बच गया, जो आप लोग को देख सकते हैं सिर्फ लॉक प्लेट डालना है, थोड़ा सा डाउन, हाँ थोड़ा सा डाउन, बस। तो देख सकते हैं हम लोग का कंपनी का स्टीलक्स नेम प्लेट है, आप लोग देख सकते हैं ये अल्मोनियम का बनाया गया है नेम प्लेट, और हर शटर में हम लोग कोशिश करते हैं लगाने का लेकिन हर शटर में नहीं लग पाता है। गाइड से बाहर माल है अभी और शटर हो गया फाइनल, स्टॉपर लगा के और एक बार चेक कर लेते स्प्रिंग ज्यादा टाइट है, उसके बाद हम लोग कम टाइट है, ज्यादा टाइट है, तब हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधा घर। इस खाली स्टॉपर लगाने का काम है कि मेरा शटर काम हो गया, एक बार आपको बिंदल मॉल से मिला देते हैं, तब लोग देख सकते हैं इसी को बोलते हैं बिंदल मॉल, यही बहुत सारा शटर हम लगाए 10-12 करके, आप लोग देख सकते हैं यही है बिंदल मॉल और ये हम लोग का काम हो गया रेडी।
तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा 90% काम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बस गाइड में जाने के बाद खाली स्टॉपर लगाना रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं शटर हम गिरा रहे हैं, आप मेरे वीडियो में बने रहे, देखते रहिए। और एक बार में ही शटर का स्प्रिंग एडजस्ट हो गया, जो मेरे को ना टाइट करना पड़ा दोबारा ना ढीला करना पड़ा दोबारा। तो आप लोग देख सकते हैं शटर गिर रहा है, और गिरने के बाद आप लोग देखिए आगे हम दिखाते हैं कैसे स्टॉपर लगा। तो दोस्तों मेरा शटर हो गया फाइनल, एक बार आपको चला के दिखा देते हैं। जो आप लोग को दिख रहा होगा चला रहा है, कुछ कुछ फंस रहा है, जो सामान हटा रहा है, और उसके बाद चलाने के बाद एक बार बढ़िया से आपको चलाएंगे, और बढ़िया से एक बार आपको कोशिश करेंगे पूरा बढ़िया से देखने का। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, आप लोग पूरा शटर देखिए, कुछ कमी होता तो बताइए, उसको हम आगे शटर लगाएंगे तो उसमें कुछ ठीक करने का हम कोशिश। तो दोस्तों मेरा अभी शटर हो गया कंप्लीट, और आप लोग को एक बार हम चला के दिखा देते हैं। और ये गियर शटर है, 16 फीट चौड़ाई है और हाइट है इसका 11 फीट। तो अभी हम एक बार चला के दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं प्लीज़ इसमें शटर में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि शटर जाम है कि फ्री, क्योंकि हैंडल जितना स्पीड में नाच रहा है, आप लोग ज़रूर समझ जाइए कि शटर एकदम फ्री है। लेकिन आपको अगर कुछ कमी लगेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम इसमें बताने की कोशिश करेंगे आपको पूरा, क्योंकि शटर मेरे हिसाब से पूरा फ्री है। गियर क्या हाइट में लगाया गया, थोड़ा सामने आइए। तो दोस्तों गियर क्या हाइट में लगाना है, हम अभी गियर के बारे में बताते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज होता है इसका। क्योंकि बहुत मिस्त्री लोग क्या करता, कोई यहाँ लगा देता, कोई वहाँ लगा देता, कोई नीचे लगा देता है जो बैठ के उठाना पड़ता। तो अभी हम आपको सही तरीके बता रहे हैं, सही कोई भी आदमी या बौना आदमी हो या ज्यादा हाइट का हो क्या हाइट में लगा लेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जमीन, जहाँ जमीन फ्लोर बराबर हो वहां से आप उसको सेंटर लेना है। तो देख सकते हैं 39 इंची है, मतलब 3 फीट 3 इंची में लेना है इसका सेंटर हैंडल का। ये सेंटर 3 फीट 3 इंची में लेना है, स्टैंडर्ड साइज है, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगी। यही 3 फीट 3 इंची में ही लगाए हैं 39 इंची में। तो एक बार आपको हम शटर गिरा के दिखा देते हैं, ऊपर से देख सकते हैं नीचे, ऊपर से नीचे तक हम 3 इंची गाइड हटा के लगाए हैं। हटाने का रीजन क्या है अभी हमको बताते हैं, इधर लाइए। हटाने का रीजन ये है कि मेरे को मार्बल से दूर रखना है, मार्बल से हम 1.5 इंची दूर रखें, क्योंकि हम लोग का 1.5 इंची ताला होता है शटर का, जो अभी ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा, जो गिराने से हम आपको दिखेगा शटर का ताला है, जो इसके लिए हम लोग 1.5 इंची गैप रखे। तो यहाँ से 1.5 इंची हो गया, यहाँ से 3 इंची हो गया। तो गियर शटर का फार्मूला हर एक चीज़ बता दिए दोस्तों आपको। अब जो आएगा एक वीडियो, उसका तारीख नहीं बता सकते हैं, लेकिन गियर शटर बनाना कैसे है, रिंग कैसे बनाना है, गियर कैसे फिटिंग करना, आर्म कैसे फिटिंग करना है, कौन सा साइज़ में कौन सा स्प्रिंग लगेगा, तो उस अब जो वीडियो आएगा उसमें हर एक वीडियो का जानकारी रहेगा, हर एक चीज़ का जानकारी रहेगा। तो आप लोग उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.